उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना क्षेत्र कांधला के गांव चढ़ा में ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों लोगों ने सहायक अध्यापक व आंगनवाड़ी के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि सहायक अध्यापक अपनी दबंगई दिखाते हुए बच्चों पर रौब गालिब करता है और विद्यालय में बैठकर मौज मस्ती उड़ाता है। साथ ही इसकी पत्नी जो आंगनवाड़ी पद पर तैनात है वो कभी आंगनवाड़ी सेंटर पर आती ही नहीं और रजिस्टर में एंट्री कर सरकार को चूना लगा रही है। आपको बता दें कि शामली के कस्बा कांधला के गांव चढ़ा में ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों पुरुषों व महिलाओं ने प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक व आंगनवाड़ी को लेकर जमकर नारेबाजी की और साथ ही आरोप लगाया कि ये सहायक अध्यापक नीरज कुमार जो पिछले 8 वर्षों से इसी विद्यालय में तैनात है। मजे की बात तो यह है कि अध्यापक उसी गाँव में रहता है और उसी गांव में अध्यापक है, इसी बात का फायदा उठाते हुए गांव में राजनीति। हाँ जी, ये बताइए आप, यहाँ पर आंगनबाड़ी है, कितने बजे आती है आपको? हम तो मुझे हम तो 8:30 भी आ जा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम और तेरे आपको झूठ बोलने लग जा। और ये तो मुझे मेरी भाभी मर गई, कल मैं वहीं तो आई, मैं बताऊंगी तुझे भाई, मजबूरी थी मेरे सामने, मैं इसके मायने में तो 8:30 बजे आ रहा हूँ। वे कहा है जो छुट्टी पर जा रही, उनका वो चढ़ रही है, रजिस्टर पे चढ़ रही है मुझे भाई, मैं बाहर आई देखूंगी, फोन करके मैं फोन करके पूछूंगी उससे, ठीक है? बीबी मैं फोन करके पूछ रही। बर्तन आ रहे वो अभी घर पे रख रहे हैं, यहाँ पे बर्तन नहीं है, सारे बाल्टी जो भी गिलास सारा घर पे रख रहे हैं, अपने घर पर रख, हाँ अपने घर पर रख रहे हैं, जो कल उसमें एक बार मिलेंगे, दो महीने तीन महीने नहीं मिलने के, तो दोनों आपस में चाहता हूँ गड़बड़ी का, तीन महीने नहीं गड़बड़ी है, फिर कहते गड़बड़ी है जो गड़बड़ी का करता है। हाँ, जो आप लोग घी है, घी देते हैं बच्चों? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, बस एक थैली सत्तू की मिलती है, दो तीन महीने में एक बच्चे, हाँ एक बच्चे को एक थैली सत्तू की 2-3 महीने में मिलेगी और फिर मिलती नहीं। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? कमलेश, क्या मामला हो रहा है? हम चाहते हैं कि नीरज यहाँ पे रहे, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है सर, पूरा दिन फेसबुक इंटरनेट और राजनीति में पूरा दिन बिताते हैं। कौन है नीरज? नीरज मास्टर यहाँ पे स्कूल में कब से तैनात है? कब से? 10-12 साल से। 10-12 साल। क्या राजनीति करते हैं? गांव वालों के साथ बैठते हैं, सही इधर उधर की बातें या कुछ भी करता रहता है, बस बच्चों के उसका भविष्य पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा। तो आपने इस संबंध में कोई अधिकारी शिकायत की इनके? बहुत बार की। क्या हुआ है? तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अब तक। हाँ जी, आपका नाम? सारिका। क्या मामला है स्कूल में, क्या बात है? हम चाहते नहीं यहाँ नीरज रहे, ना तो बच्चे आते हैं यहाँ पे, बढ़िया पढ़ाई नहीं करता वो, अपने फेसबुक चलावे कभी कुछ करे, ना बच्चों ने रोकता, बच्चे चाहे कहाँ मर्जी जाओ वो रोकता नहीं। कितने साल से यहाँ पर है? हम तो नीरज नीरज ये प्रधान जी, आपका नाम? लाला जी। गांव में लोग इकट्ठा हो रहे हैं स्कूल में, क्या मामला है? अरे यहाँ पार्टी बाजी चलती है, पढ़ाई होती नहीं बिल्कुल। किस बात को लेकर पार्टी बाजी चलती है? अजय भाई नहीं हो रही है बिल्कुल, बच्चे पढ़ते नहीं, चाहे अक्सर पूछ लें, एक भी अक्सर नहीं आता किसी बच्चे को। क्यों नहीं पढ़ते हैं? अजी मैं नीरज है जी, वो एक मान लो पढ़ाता ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पर वो क्या तैनात हैं, मतलब यहीं पोस्टिंग है उनकी? यहीं के निवासी? 10 साल से यहीं है, यहीं पर रहता है 16 साल से। 16 साल से यहीं? हाँ। तो आपने इस संबंध में कोई DM साहब को या किसी को कोई दे दिया एप्लीकेशन सारी जगह दे? अच्छा, कुछ कुछ नहीं होता है? नहीं जी, कुछ नहीं होता, सुनवाई नहीं होती।